मरा 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 मरा। यह चूल्हा माँ सीता जी के हाथ का आज भी बना हुआ रखा है गाइस, आज भी वो इसी पे पूरी रामायण लिखी, आप पढ़ सकते हैं पूरी रामायण। गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग मंदिर, ये देख रहे हैं मंदिर आप, वाल्मीकि जी के आश्रम आ चुके हैं, चलते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम। गाइस ये है वाल्मीकि जी का आश्रम, वाह यार पेड़ कितने अच्छे अच्छे लगे हैं, ये था वाल्मीकि जी का आश्रम यहीं पे। चुके हैं और ये है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम, लवकुश जी की जन्मभूमि मंदिर, यहाँ पे लवकुश जी का जन्म हुआ था, जो श्री राम जी के दो पुत्र थे गाइस, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। माँ सीता जी का द्वार है, मेन द्वार यहाँ पे, जाओ प्रणाम पंडित जी। गाइस देख सकते हैं मंदिर जैसा, ये माँ सीता थी श्री कुश श्री लव जय हो, और ये हमारे दक्षिणी मुख हनुमान जी का मंदिर है। गाइस हनुमान जी के मंदिर में चरण स्पष्ट करें, गाइस आलम चरण स्पष्ट करें, गाइस यहाँ पे लव कुश जी का जन्म हुआ था, ये लिखा है देखिए लवकुश जन्मभूमि, यहाँ पे प्रभु जी के श्री राम जी के पुत्रों का जन्म हुआ था गाइस, यहीं पे माँ सीता रही थी। आइए पंडित जी से और इस मंदिर की जानकारी लेते हैं, गाइस पंडित जी से पूछते हैं और मंदिर का इतिहास पूछते हैं, मंदिर इतने साल पुराना, वैसे तो बहुत साल पुराना है गाइस, आइए पंडित जी से पूछते हैं। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी आपका शुभ नेम? हरीशा त्रिवेदी। पंडित जी कुछ मंदिर का इतिहास बताइए। ये वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ ये लवकुश जी की जन्मभूमि है। जी जी सीता मैया रही, लवकुश जी का जन्म हुआ जी। मंदिर प्राचीन है, जीर्णोद्धार किए जाते हैं। जी जी पूजन का फल है। जी 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 यहाँ पर सीता मैया रही, लवकुश जी का जन्म हुआ जी, और हनुमान जी का स्थान है, जो युद्ध हुआ था सुमेध का, उस युद्ध से लवकुश बांध करके लाए थे, सीता माता ने हनुमान जी को यहाँ पे छुड़वाया था जी। और जो जन्मभूमि है पंडित जी, वो सामने है, यहीं पे उनका जन्म हुआ था लवकुश जी का, और माँ सीता यहीं पे रही थी। चलिए पंडित जी आपका धन्यवाद, आपका समय लिया, प्रणाम पंडित जी। गाइस चलते हैं आगे और दिखाते हैं, चलिए गाइस चलते हैं मंदिर से माँ सीता जी, गाइस चलते हैं, इधर सीता जी का बना था, गाइस देखते हैं। ओ भाई कितना प्राचीन मंदिर है गाइस, पहले मेन द्वार ये था पर अब बंद हो गया, अम्मा जी पहले मेन द्वार ये था, अब ये मेन द्वार बंद हो गया गाइस, अब इधर का हो गया है, चलते हैं। देखिए पंडित जी जो बता रहे थे हनुमान जी को यहीं पे लाए थे, लवकुश बांधे थे जब राम जी का घोड़ा इन्हें पकड़ा था, आइए चलते हैं मंदिर में। बोला जाता है रामायण के रामायण से कि यार जब राम जी ने अपना घोड़ा छोड़ा था यज्ञ का, तो लवकुश ने यहीं पकड़ के बांधा था, फिर उनको छुड़ाने के लिए हनुमान आए थे तो हनुमान जी को भी कैद किया था। चलते हैं अब आश्रम के, गाइस देख सकते हैं मंदिर कितना प्राचीन मंदिर है, प्रणाम महाराज जी। अंदर जाइए, गाइस देख सकते हैं कितना प्राचीन मंदिर है, चलते हैं अंदर। प्रणाम महाराज जी आपका शुभ नाम? पंडित दुर्गानंद महाराज जी।
महाराज जी इसके बारे में कुछ पता है? ये वाल्मीकि जी का स्थान है जहाँ से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, ज्ञान की प्राप्ति की वो जगह है जी। वाल्मीकि जी है, वाल्मीकिश्वर महादेव जी है जी जी, शिव जी को साक्षी करके तब रामायण की रचना की, रावण करी थी। इसके बाद में तो सीता रसोई जहाँ सीता मैया खाना बनाते थे जी जी, लव कुश के लिए वाल्मीकि जी के लिए। उधर बगल में सीता कुंड है जहाँ पे सीता जी धरती में समाई थी, उसके बगल में वन देवी कुटिया है जहाँ पे माँ ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया जी जी। उसके बगल में वाल्मीकि जी की पुरानी मूर्ति है जी जी, चोरी और बदमाशी करते थे जी। उसके बगल में एक सबसे प्राचीन पेड़ है जिसके नीचे वाल्मीकि जी बैठ के तपस्या किए थे जी जी, मरा कर जाप किए थे उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे जी। चलिए मंदिर के अंदर आपको दिखाते हैं गाइस, और जय हो महाराज। ओ भाई जय हो महाराज जी, कितनी संतुष्टि यार मंदिर में, यार मंदिर कितना प्राचीन मंदिर है यार, आप देख लोगे गाइस, मंदिर देख लीजिए कितना प्राचीन मंदिर है। फोटो खींचना सख्त मना है हमारा, वैसे हम लोग यार परमिशन लेके खींच रहे, वैसे तो मना है यार, देख लो ये कितना प्राचीन मंदिर है। आप लोग भी चरण स्पष्ट करें। पंडित जी ने जो बताया था सीता रसोई वो यहीं पे है, ये देखिए यहाँ पर लव कुश और वाल्मीकि जी महर्षि जी के लिए खाना बनाते थे। फोटो खींचना सख्त मना है गाइस, और ये आज भी उनके बर्तन रखे हैं, दिखाते हैं गाइस। जय हो मैया गाइस, ये रसोई थी माता की, देख सकते कितनी प्राचीन रसोई, आज भी वो चीज़ें यार, आज भी वो चीज़ें विराजमान है यहाँ पे गाइस। आज भी ये चूल्हा माँ सीता जी के हाथ का आज भी बना हुआ रखा है गाइस, आज भी वो माँ के हाथ के बर्तन रखे हैं गाइस, आज भी वो हर चीज़ रखी है गाइस, हर चीज़ जिसे बोलते हैं माँ सीता जी का ये है यार। माँ आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वाल्मीकि जी ने मतलब वो किया था मरा का यहाँ पे तपस्या करी थी वाल्मीकि जी ने। ये सबसे प्राचीन पेड़ है गाइस, आइए इसके भी आपको दर्शन कराते हैं। जो प्राचीन काल का कुआं है गाइस, आइए आपको कुएं के भी दर्शन कराते हैं। पहले आइए गाइस, इस कुएं से माँ सीता पानी भरती थी गाइस। ये कुआं देख सकते हैं कितना गहरा है यार, अभी भी जल है इसमें, आज भी जल है इसमें जल ये जाता है, बोरिंग होती है। आइए अब तो यार टेक्नोलॉजी का ज़माना गया तो बोरिंग लग गए भाई यार, बहुत प्राचीन और यार आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी ने तपस्या करी थी, तब किया था मरा दर्शन करिए महाराज जी के। और ये आप लोगों को दिखा सकते हैं भाई, ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे वो, इसी पे पूरी रामायण लिखी, आप पढ़ सकते हैं पूरी रामायण लिखी है गाइस, पूरी रामायण आप परिक्रमा करके पूरी रामायण पढ़ सकते हैं, पूरी रामायण लिखी है। और यहाँ पर माँ सीता जी धरती में समाई थी यहाँ पे, आज भी देखते हैं गाइस वो बना है यहाँ पे, माता सीता समाधि कुंड है, सीता कुंड इसी को बोलते हैं कि पाताल में प्रवेश करी थी इसी कुंड से समाधि ली थी। और ये वन देवी कुटिया है, वन देवी कुटिया में आइए चलते हैं गाइस। कुटिया देखें कितनी प्राचीन है, कुटिया देखें कितनी प्राचीन है गाइस, और कुटिया यार हो भाई, गर्मी चाहे जितनी अंदर है बिल्कुल गर्मी नहीं है। सोच लीजिए ये प्राचीन मंदिर है गाइस, आप यहाँ की बनावट से देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर है, वन देवी मैया है ये गाइस। चलते हैं आगे प्रवेश करते हैं, आइए बहुत बड़ा मंदिर है गाइस, बहुत बड़ा आगे यहाँ पे यज्ञ होता है भाई जी यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस ये महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का रूप है, आप लोग देख सकते हैं अंदर यार, अंदर बहुत भव्य है यार,
जब बोला जाता है जब महर्षि वाल्मीकि जी जब चोरी करते थे तब की ये उनकी मूर्ति है बोला जाता है। ऐसे मूर्ति नहीं है, साक्षात वाल्मीकि जी है, प्रतिमा है जी उनकी, सॉरी प्रतिमा है गाइस। और आपको इधर से दिखाते हैं गाइस, ये इधर से दिया था ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस इधर इनका पूरा वन बना पड़ा है। आजकल तो लोग यहाँ उल्टे सीधे कांड करने लग गए। गाइस बहुत प्राचीन मंदिर है यार ये, शिव जी का मंदिर है गाइस, प्राचीन देख सकते हैं शिव जी का मंदिर, जरा स्पष्ट करें गाइस। परिक्रमा करने का भी बना है पूरा साधन, परिक्रमा भी आप कर सकते हैं पूरे मंदिर का, नहीं पंडित जी। और यार बहुत भव्य मंदिर है यार, आप लोग देख सकते हैं बहुत भव्य। ये हमारे महाराज जी, हमारे बेस्ट फ्रेंड परम सखा जिसे बोला जाता है, ये हमारे हैं साथ में। यार मंदिर घूम के यार इतना अच्छा लग रहा है कि क्या मैं बताऊँ यार, अपना इतिहास जानने के बाद मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है यार, मेरे को पता नहीं था कि यार इतने पुराने पुराने मंदिर हैं अपने कानपुर में। यार थैंक यू सो मच यूट्यूब और मेरे सब्सक्राइबर यार जो मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, कि आप लोगों के चक्कर से, आप लोगों की ज़रूरत से यार, यूट्यूब के चक्कर से यार मैं यार जितना हर जगह घूम रहा हूँ, थैंक यू सो मच यार। यार आप लोग सोचो कि मैं वीडियो के लिए ये बोल रहा हूँ, नहीं मैं यार अंदर से बोल रहा हूँ, अपने मन से बोल रहा हूँ कि थैंक यू सो मच यूट्यूब जो मुझे यार इतना सपोर्ट करते हैं, और मेरी पब्लिक थैंक यू सो मच गाइस यार जो मुझे सपोर्ट करते हैं यार। और आपको मंदिर दिखाते हैं गाइस, यार ये देखिए मंदिर, आप लोग मंदिर देख सकते हैं, और ये सीता जी की रसोई बनी थी गाइस, देखिए कितनी पुरानी रसोई है गाइस, पूरे में दिया जलते थे, आप लोग देख सकते हैं, आपको जूम करके एक बार दिखा दे, ये देख रहे इसमें सब में दिया जलते थे, और ऊपर लगा था ध्वज लगा था, चक्र लगा था, जिसे बोलते हैं अंग्रेज चुरा ले गए थे। आगे प्रवेश करते हैं गाइस, कहा जाता था कि सीता कुटिया में जो परिक्रमा करते हैं वो बंद हो गई है, और वो परिक्रमा इसी में होती थी गाइस, और ये दिखाता हूँ ये बंद हो चुकी है, जिसे बोला जाता था कि इसको परिक्रमा करना भाई बहन नहीं कर सकते हैं, बाकी तो ये बंद हो चुकी है। ये आप लोगों को सीढ़ी दिखा सकता हूँ मैं, देखिए अपने महाराज जी के माध्यम से, महाराज जी मैं ये दिखा दूँ, ये सीढ़ी गई है गाइस, ये सीढ़ी थी आप लोग देख सकते हैं, मैं फ़ोन अंदर नहीं जा पा रहा मेरा गाइस, ये सीढ़ी थी, इस सीढ़ी के माध्यम से बोला जाता था कि सीढ़ी के इनका आना वर्जित था, जिसे मना था, खाली जोड़ा आ सकता है परिक्रमा करने। और गाइस ये है देखिए मंदिर का, जय माँ सीता, यहाँ पे लवकुश आश्रम बना था। चलते हैं लवकुश जी के आश्रम, ये पूरा आश्रम बना है गाइस, चलते हैं लवकुश जी के आश्रम। यार आश्रम में तो कोई है नहीं फिलहाल, क्योंकि टाइम हो चुका है 2:42, आश्रम बंद है जहाँ था। दर्शन कर सकते हैं, ये महाराज जी थे, ये महाराज जी थे, इनका दर्शन करिए, इनकी प्रतिमा लगी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं इनकी प्रतिमा है, गेट बंद है, गेट नहीं खुलता है प्रतिमा, ये महाराज जी जी ये पूरा बना है गाइस। कानपुर इतना रहस्यों से भरा हुआ है गाइस कि मैं क्या बताऊं, बंद कर देता हूं यार, हम लोग ने खोला, ये तुलसी जी लगी हैं, जय हो। और आप लोगों को दिखाते हैं श्री श्री ओंकार तीर्थ स्थान समक्ष सामने, ये सत्यनंदन भवन है,
यहाँ कीर्तन होता था गाइस। महर्षि श्री श्री गुरुकुल विद्यालय, ये गुरुकुल था गाइस। गाइस प्रवेश करते हैं, देख सकते हैं धीरे से समझिए। यहाँ पे गाइस ये उनका विद्या, ये गुरुकुल था। यहाँ पे लखपत जी ने विद्या, ये गुरु जी विराजमान है गाइस। और मंदिर देख सकते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है यार। यहाँ पे कार्यालय था, यहाँ पे आश्रम में लोग रहते थे, फिर यहाँ पे अभी भी रहते हैं। जो पहले मतलब थे तो वो यहीं रहते थे इसी आश्रम में, आज भी रहते हैं कुछ लोग। और गाइस चलते हैं, देख सकते हैं शिव जी विराजमान है। ब्रह्मदेव बाबा पीपल पेड़ है यहाँ पर, और यहाँ की परिक्रमा ऐसे है गाइस, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक जगह है, बहुत ऐतिहासिक जगह है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूजा हवन वगैरह सब होता है गाइस। देख सकते हैं ये यज्ञशाला थी, आज भी देखिए पुरानी है। आप लोगों को दिखाते हैं, आज भी प्राचीन है यज्ञशाला, आज भी वैसे की वैसे ही विराजमान है, आज भी यज्ञ होता है। देख लीजिए ये महाराज जी थे गाइस, देख सकते हैं ये हमारे महाराज जी थे, जो आप लोगों को दर्शन करें। ये हर यहीं पे यज्ञ होता था गाइस, चार पाँच जगह लग जाएगा। आप गौशाला दर्शन करते हैं, गौशाला चलते हैं गाइस। अध्ययन आपका कितने बजे आरंभ होता है? 9 बजे प्रातः 9 से प्रातः 9 से शाम 8 बजे। अभी समय सोने का शाम का समय है जी ना। भोजन प्रसादी में क्या प्राप्त हुआ आज? आज तो एकादशी 11 से। और कितने विद्यार्थी अपने यहाँ टोटल? अभी तो 6 हैं, मुझे टोटल 35। और यहाँ का आरती पूजन किस समय क्या है? पूजन होता है यही 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मोहन उपाध्याय। मोहन उपाध्याय, और भी हमारे गुरु भाई हैं ये अंदर, एक बार आपका कमरा देख सकते हैं? चल गए, अभी तो सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। अच्छा, अभी शयन कर रहे हैं, चलिए नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। कहें उपाध्याय जी, धन्यवाद, चलते हैं जी, प्रणाम, राधे राधे। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीताराम होते हैं? जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। इतना सुंदर लगा आपसे मिलकर, बड़ा अच्छा लगा। अभी आप यहाँ दौरा करने नीचे का जीरो गुरु भगवान कहाँ होंगे शयन कर रहे हैं? यहाँ के प्रेजेंट टाइम के कौन गुरु हैं अभी? यहाँ के श्री आचार्य ज्ञान, वो श्री आचार्य पंकज ठाकुर हैं। अच्छा, तो मेरी तरफ से प्रणाम बोल दीजिए। प्रणाम मेरी तरफ से बोल दीजिएगा। जय गुरु, जय गुरु। चले प्रभु, चलते हैं। अभी मिल चुके हैं, अभी एक विद्यार्थी से मिले थे गाइस। उन्होंने बताया किस प्रकार से यहाँ का क्या है रूल नियम और किस तरीके से किया जाता है, यहाँ का गुरुकुल में किस तरीके से विद्या ग्रहण होती है, कितने बजे से होती है, कितने बजे समाप्त होती है, और प्रातःकाल 9 बजे से चालू हो जाती है, शाम को 6 बजे समाप्त हो जाती है, विश्राम होती है। हाँ, समाप्त विश्राम वही है, पर अलग अलग विश्राम करना ठीक रहता है, समाप्त करना थोड़ा अजीब सा लगता है गाइस। और चलते हैं, और धूप बहुत तगड़ी हो रही है यार, कसम से यार, पसीना हम देख देख के। आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे चलते हैं गाइस। गाइस अब हम लोग इस मंदिर से निकलते हैं, लखपुश सीता मैया के आश्रम से, वाल्मीकि जी के आश्रम से ज़्यादा प्रसिद्ध है गाइस, निकलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी अच्छी कमेंट करके बताना, कमेंट में जय श्री राम से भर देना यार, 1000 कमेंट जरूर होना चाहिए जय श्री राम से गाइस। चलते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।